नमस्कार, मैं हूं दिबांश की मोहिता। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव साल 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद, लेकिन आज तक भारत उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से आजाद नहीं करवा सका। पिछले कुछ सालों से ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चल रहा है, जहां पाकिस्तान जाधव को फांसी पर लटकाने के लिए केस लड़ रहा है, तो वहीं भारत जाधव को फांसी के फंदे से बचाने के लिए केस लड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चल रहे इस केस के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम रहा, जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने एक अहम बिल पास किया, जिससे अब कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी मिल सकेगी। पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को इससे पहले उच्च अदालतों में अपील करने का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई थी। नेशनल असेंबली ने जिस बिल को मंजूरी दी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक मौत की सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने के ज्यादा अधिकार दिए गए। अगर नए बिल को सेनेट भी पास कर देती है तो ये कानून बन जाएगा। इसके बाद जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हायर सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। जाधव को रॉ एजेंट मानता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव रॉ के एजेंट हैं और उन्हें बलूचिस्तान से 2016 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का दावा है कि जाधव इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर, वो कारोबार के सिलसिले में ईरान गए थे, उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने वहीं से अगवा किया था। मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में जाधव को सजाए मौत का फैसला सुनाया था। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चैलेंज किया है, तब से ये मामला पेंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव को मिली मौत की सजा पर साल 2018 में रोक लगाने के साथ ही पाकिस्तान को उन्हें काउंसलर एक्सेस देने को भी कहा था। जाधव के मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए विदेश कार्यालय से कहा था कि वो भारत से वकील नियुक्त करने के लिए संपर्क करें और मामले की इस अदालत द्वारा सुनवाई के न्यायाधिकार क्षेत्र पर भारत की गलतफहमी दूर करें। हाई कोर्ट के निर्देश पर पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जहीद हफीज चौधरी ने इस मामले में कहा था कि हमने भारत से एक बार फिर कुलभूषण जाधव मामले में वकील नियुक्त कर पाकिस्तान अदालत के साथ सहयोग करने का आह्वान किया, ताकि मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जा सके। आपको बता दें, कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए भारत ने बैकडोर बातचीत भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाधव का केस लड़ चुके वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने एक कार्यक्रम में बताया था कि जाधव की रिहाई के लिए एनएसए अजीत डोभाल ने खुद पाकिस्तान के तब के एनएसए नासिर खान जंजवा से बात की थी। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। सालवे ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान से बैकडोर बातचीत करने पर हम उन्हें मना लेंगे। हम मानवीय आधार पर जाधव की रिहाई की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाधव अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।